अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे। अच्छा जी, मुझे जो क्वेश्चन आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि भी अच्छी वाइटिंग क्रीम बता दें, कौन सी बेस्ट क्रीम है जिससे हम अपना कलर फेयर कर सकते हैं, और अगर हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स हैं तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये, दूसरा जो मुझे क्वेश्चन था वो ये था कि जी अगर कोई थोड़ा सा आपकी स्किन थोड़ी सी कोई जल गई है, तो वो जला हुआ जो निशान है वो किस तरह से हम उसको ख़त्म करेंगे, उसके लिए कोई क्रीम बता दें। तो इन दो चीज़ों के लिए आज मैं आपको स्पेशली क्रीम बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और इंशाल्लाह आपको जस्ट 5 से 6 डेज़ यूज़ करने से आपका जो जला हुआ स्किन का निशान है आपके फेस पे अगर पड़ गया है या कुछ इस तरह का, तो वो इंशाल्लाह 5 डेज़ में आप यूज़ करेंगे आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा। क्योंकि मैंने किसी को यूज़ करवाई है क्रीम और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसका रिज़ल्ट, उसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा उसको रिज़ल्ट मिला है, ज़बरदस्त किस्म का। जबकि हालांकि जो उसके फेस पे निशान था ना, था वो देख के मुझे लग रहा था कि उसको ना कम से कम 15 डेज़ लग जाएंगे, लेकिन उसको 5 से 6 डेज़ में इतना फ़र्क पड़ा है कि अब जस्ट उसने 1 वीक यूज़ किया क्रीम और उसने क्रीम छोड़ दी है क्योंकि उसका दाग ख़त्म हो गया। और मुझे वो मेरे पास आई है, उससे मुझे बताया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अब फिर वो मुझे कह रही थी कि जी अब मुझे वाइटिंग क्रीम बता दें। वाइटिंग क्रीम, जाहिर सी बात है, हमें जब स्पॉट्स वगैरह या इस तरह का पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें ये भी होता है साथ साथ कि कलर हमारा फेयर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, बहुत समझा कर, सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है, और जस्ट आपने कलर फेयर करना है उसके लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है, और आपके अगर डार्क स्पॉट्स हैं और इस तरह जला निशान है तो आपके लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है, ये सारी मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जो लोग न्यू आ रहे हैं ये जो रेड बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर दें, तो हम इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। चले जी, थोड़ा सा रूल्स जो है जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो थोड़ा सा आपने फॉलो करना है कि किस तरह से आपने क्रीम लगानी है। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, क्रीम लगाते हैं जिस तरह गाइडलाइन दी जाती है वैसे क्रीम नहीं लगाते, जिस वजह से उनको रिज़ल्ट कम आता है, फिर वो बाद में शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हमने यूज़ की है और हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। वो आपकी जो है ना सुस्ती लापरवाही से ऐसे हो सकता है, जबकि जो क्रीम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी 100% गारंटी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो कलर है वो फेयर हो जाएगा। सबसे पहली बात जो है, सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सी वाइटिंग क्रीम होनी चाहिए, तो सेंसिटिव स्किन के लिए इवन टोन सी एंड फेयर एंड पिंक, ये क्रीम आपने यूज़ करनी है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ठीक है। इसके साथ आपका कलर जो है फेयर होगा, लेकिन आपको 8 डेज़ आई मीन के 1 वीक लग सकता है, 1 वीक में आपको रिज़ल्ट वाइटिंग नज़र आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा नज़र आएगा रिज़ल्ट। और इसका जो है ना, आप इसको यूज़ करते जाएंगे, इसको 3 मंथ यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़बरदस्त मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई जस्ट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, जिनकी अगर कोई पहले से स्किन पे प्रॉब्लम है या उनको एक्नी भी हैं हल्के हल्के से, तो एक्नी को भी ख़त्म करेगा, रेड रेड जो निशान है उसको ख़त्म करेगी ये क्रीम, और आपका कलर जो है वो फेयर करेगी। क्योंकि इवन टोन सी के साथ फेयर एंड पिंक क्रीम लाजिम यूज़ करनी है, ये फार्मूला है, ये सिंपल अगर क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अगर दोनों क्रीम को यूज़ करेंगे एक साथ फिर आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हो गया। अब जो जले वाली, जिनकी स्किन जल गई है, उसको निशान है या कट लग गया या कहीं गिर गया था बंदा या बंदी, गिर जाता है या चोट लग जाती है, उसका जो फेस पे निशान पड़ जाता है, तो उसको ये ख़त्म करने के लिए जो है ना, ये थोड़ा नेम आप देख लें, हो सकता है आपको स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो जाए, तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल सकती है ये क्रीम, गौर से देख लें, गौर से आप इस क्रीम को देख लें और स्पेलिंग अच्छे से देख लें, क्योंकि इस क्रीम को आप जब किसी भी स्टोर से लेने जाएंगे तो आपको इसका जो है ना कोई थोड़ी सी चेंज भी मिल सकती है, इस वजह से ये मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो ये क्रीम आपने जले निशान के लिए यूज़ करनी है, इंशाल्लाह आपको 5 से 6 डेज़ में
रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। फिर आपने इसको थोड़ी कंटिन्यू रखनी है, और अगर इस स्किन इसको यूज़ करने से आपकी स्किन पे रेडनेस हो या थोड़ा आपको इचिंग हो, तो अगर तो बर्दाश्त हो रही है तो फिर 2 से 3 दिन मज़ीद यूज़ कर लें, और अगर बर्दाश्त नहीं हो रही फिर इस क्रीम को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, फिर आपने इस क्रीम को यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मेडिकेटेड जो क्रीम है उसको जितने दिन बताया जाए उतने दिन ही यूज़ करें। अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब जी तीसरे नंबर पे आ जाएं कि जी फास्ट वाइटिंग रिज़ल्ट के लिए कौन सी क्रीम होनी चाहिए। तो फास्ट वाइटिंग रिज़ल्ट के लिए ये मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आई मीन के आप ऊपर चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको फास्ट वाइटिंग रिज़ल्ट के लिए क्रीम जो है आपके पास कौन सी होनी चाहिए। ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपने मिक्स करनी है, और आपने सिर्फ 2 दिन लगाना है, और आपका कलर ऐसे फेयर हो जाएगा कि आप पहचाने नहीं जाओगे इंशाल्लाह। आपको जस्ट 5 से 6 डेज इस क्रीम को आप यूज़ करेंगे रेगुलर, तो इंशाल्लाह आपका कलर फेयर हो जाएगा, जो जितना आप मतलब का कलर चाह रहे होंगे वो आपको कलर मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा एहतियात ये है कि जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में जो क्रीम है ना वाइटिंग यूज़ करने के दौरान आपको गर्मी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि जो रिज़ल्ट आपको 5 से 6 डेज़ मिलना है वो आपको जाके मतलब कि 12 डेज़ लग सकते हैं, 15 डेज़ भी लग सकते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से आपको पसीना आ रहा होता है, उस वजह से क्रीम आपकी स्किन में अब्जॉर्ब सही से नहीं होती। अब उसके लिए आपने क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से जो है डर्माकॉस का कम्बर का जो क्लिनज़र है वो ले लेना है, उसके साथ अपने फेस को अच्छे से पहले क्लीन करना है। नाइट में उसको यूज़ करें, क्लिनजिंग आप डे में भी यूज़ करें और आप नाइट में भी यूज़ करें। आप जो है सोप को तब छोड़ दें, आप जस्ट हल्की सी क्लिनजिंग करें फेस पे, और नाइट में जो है ये वाली क्रीम आप अप्लाई कर लें, जो मैं आपको फार्मूला बताया है ऊपर मैंने आपको लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, ये आप फार्मूला बना सकते हैं। ये फास्ट वाइटिंग रिज़ल्ट मिलेगा, इसके साथ आपका वाइटिंग रिज़ल्ट मिलेगा, और ये क्रीम जो है आप लगाते जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा। जब इसको छोड़ देंगे तो फिर आप अपनी असली हालत में आ सकते हैं, इसका ये नहीं है। लेकिन जो सबसे पहले मैंने आपको बताया है इवन टोन सी वाला, उसका ये है कि अगर आप उसको छोड़ भी देंगे तो बाद में भी आपकी स्किन अच्छी ही रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और थोड़ा सा एहतियात हर चीज़ के साथ होता है, क्लिनजिंग करना, अपनी स्किन को नीट रखना, क्लीन करना, डस्ट ना पड़े आपकी स्किन। जितनी डस्ट से जो है आप परहेज़ करेंगे, आप थोड़ा डस्ट से अपनी स्किन को बचा के रखेंगे, आपकी स्किन जितनी नीट होगी ना उतना आपको फास्ट वाइटिंग रिज़ल्ट मिलेगा। और आपकी जो भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी दुनिया की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको पसीना आ रहा है, तो तब आपने वैसे ही अपनी जो क्रीम है एहतियात नहीं किया, सफाई ख्याल नहीं रखा, तो जब वो क्रीम आप यूज़ करेंगे ना तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से आ ही गई होगी बात समझ आपको। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, किसी ने मज़ीद कुछ पूछना हो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। मेरी तरफ से छोटा सा टिप, तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।